उधारी के 1500 रुपए न चुकाने पर युवक के साथ दरिंदगी। स्कूटर में बांधकर 2 किलोमीटर तक दौड़ाया। उधारी के पैसे न चुकाने पर एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक को रस्सी में स्कूटर में बांध दिया और 2 किलोमीटर से ज्यादा व्यस्त सड़क पर दौड़ाते रहे। मामला सामने आने के बाद सतर्क हुई पुलिस। मामले की जांच करने की बात कही जा रही है। उधारी न चुकाने पर दबंगों द्वारा बर्बर बर्ताव की खबरें तो आप अक्सर पढ़ते सुनते ही होंगे। ऐसा एक मामला ओडिशा के प्रमुख शहर कटक से सामने आया है। उधारी के रुपए नहीं चुकाने की स्थिति में दबंगों द्वारा एक युवक के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक को रस्सी से स्कूटर में बांध दिया गया और फिर उसे 2 किलोमीटर तक दौड़ाते रहे। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस भी सकते में आ गई। सोशल मीडिया में घटना का वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस इस मामले में सतर्क हो गई है। कटक के DCP पिनाक मिश्रा ने बताया कि यह घटना सोमवार रात 11 बजे की है। पीड़ित युवक के साथ आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जगन्नाथ ने आरोपी से 1500 रुपए उधार लिए थे। उधारी न चुकाने पर दबंग प्रवृत्ति के आरोपी ने रस्सी से उसके दोनों हाथ स्कूटर में बांध दिए और कटक की व्यस्त सड़क पर उसे 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दौड़ाया। हालांकि इस दौरान बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। अब जाकर पुलिस ने मामले की छानबीन की बात कही है। क्या जब यह घटना हो रही थी तो पुलिस सो रही थी?